देखिए इस बच्चे को ध्यान से देखिए, भतीजा रो रहा है। मेरी भतीजी को देखिए, चश्मा पहनती है। ये दया कहाँ दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो अभी हम लोग दादी से मिलके घर आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग पेड़ों से ताज़े ताज़े अमरूद तोड़कर खा रहे हैं। इसके बाद मैं जाऊंगी नए घर। तो देखिए ये मेरे बड़े बाबूजी का घर है, तो इसको हम लोग नए घर के नाम से जानते हैं, नए का घर बोलते हैं इसको। तो ये देखिए उनके घर में स्कूल भी चलता है। और ये दोनों साइड में जो घर है वो मेरे दादाजी दो भाई थे तो उनके बेटों का है इधर। और देखिए एकदम सड़क के किनारे ही मेन रोड है और साथ में रोड के साथ ही रेलवे लाइन भी है और पास में ही स्टेशन भी है। तो एकदम रोड के नज़दीक ही मेरा घर है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है मेरे भाई का है, तो इसमें भी आगे दो दुकानें बनी हुई हैं और पीछे एक लंबा सा गोदाम है। तो उसमें पहले सिवई फैक्ट्री थी, फिलहाल ये अभी खाली है। और नीचे जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना साइड में, वो मेरे मंझले चाचा जी का है। और ये देखिए इस तरह से दिखता है हमारे चाचा जी का घर। देखिए पास में ही स्टेशन है इसलिए ट्रेन भी आ जा रही हैं। और यहाँ जो छड़ निकला हुआ दिख रहा है ना, तो यहाँ पिलर बनाया गया है। पहले यहाँ दुकान थी, तो रोड किनारे जितने भी दुकान और मकान थे सभी को तोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ कुछ ही दिनों में ओवर ब्रिज बनने वाला है इसलिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये देखिए मेरे साथ वैष्णवी भी आई है, माँ घर पर ही रह गई तो मैं वैष्णवी को लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो नीचे मैंने आवाज़ लगाई, कोई नहीं थे, सारे लोग छत पर ही हैं। तो नीचे का दो कमरा इन्होंने खुद के लिए रखा है और तीसरी मंजिल पे ये सारे लोग रहते हैं। तो देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और बच्चों की मस्ती भी आप लोग देख लीजिए, खूब मस्ती कर रहे थे ये लोग। और साथ ही आसपास का व्यू भी आप लोग देख लीजिए। तो पहले यहाँ भी खेती ही होती थी, पूरा खाली था, लेकिन अब तो घर से भर गया है पूरा, चारों तरफ घर ही घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखिए एक भैया मेरे सामने सो रहे हैं और एक भाई इधर सो रहा है और सबसे छोटा भाई जो रंजीत है वो घूम रहा था। तो ये देखिए बच्चों की मस्ती कैसे हो रही है। तो यहाँ पे श्रेया, अंशु और हर्षित की मस्ती आप लोग देख सकते हैं। और दोनों देखिए, दोनों मेरी भाभियाँ बैठी हुई हैं, तो एक मुझसे बड़ी हैं और एक छोटी हैं। और आसपास का व्यू भी आप लोग देख लीजिए। इसको मोबाइल चलाने मत दीजिए। अरे हम तुमको आंटी लगते हैं। ये दुकान वाली दीदी को जाके बोलता आंटी मुझे ये दे दो, तो वो बोलती है हम तुमको आंटी दिख रहे हैं। सबके देखते तो ये चश्मा पहनती है। ये दया 12 घंटे करने हो रहे, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ तो आपने देखी इन लोगों की मस्ती। और मैं भी जरा सा जो है श्रेया को तंग कर रही थी क्योंकि बच्चों के साथ मुझे भी बहुत मन लगता है, तो मैं भी उनको तंग कर रही थी। और ये देखिए दोनों भाई बहन जो है कैसे पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ बातें करके यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं करीब 1 घंटा रुकी थी क्योंकि मुझे अभी वापस भी अपने ससुराल जाना है, तो मैं सिर्फ इनसे मिलने आई थी। और उसके बाद यहाँ से निकलकर मैं घर जाऊँगी। तो अब मैं चलती हूँ घर। और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ना, वो भाभी ने लड्डू दिए हैं माँ को देने के लिए, तो मैं वही लेकर जा रही हूँ। और ये देखिए अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और जो लड्डू मैं लाई थी वो मैंने माँ को दे दिए हैं, तो माँ वही लड्डू खा रही है।
और इसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी उठाने हैं। तो कल मैं जो साड़ी पहन के आई थी मैंने उसे धो दिया था क्योंकि वो वाइट है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो वही साड़ी मैं लेने आई हूँ क्योंकि अब मैं निकलूँगी अपने ससुराल के लिए। तो देख लीजिए छत पर से मेरे मायके का जो आसपास का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है, हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। और ये देखिए नीचे जो पेड़ लगे हुए हैं वो सब दिख रहा है, ये अमरूद का है और पास में ही बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, अनार का भी है, जामुन का भी है, तो बहुत सारे पेड़ मेरे बाबूजी ने लगाए हुए हैं। और आसपास का व्यू भी देख लीजिए आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इधर मेरी साड़ी मैंने फैलाई है जो अब सूख चुका है, और इधर देखिए पीछे भी जामुन का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। तो इधर का नज़ारा इस तरह से है, आप सब देख सकते हैं। और अभी 2 बज चुके हैं तो बस मैं नीचे जाऊंगी, तैयार होंगी और उसके बाद विशाल के साथ हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। विशाल भी जाएगा क्योंकि उसका अभी वहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो वो भी निकलेगा मेरे साथ। और नीचे देखिए गाय भैंसे भी बंधी हुई, गाय हैं भैंसे नहीं हैं, बंधे हुए हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं मायके से ससुराल के लिए, और मेरे साथ जो है मेरा बेटा भी है बड़ा वाला। और ये देखिए रास्ते, तो अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए शाम के 7 बज रहे हैं और विशाल अभी चिकन बना रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड के फूफा जी आए हुए हैं, तो वो घर से लौट के वापस जा रहे थे, ताला लगा हुआ था ना इसलिए, और हम लोग को रास्ते में ही मिल गए तो हम लोग उन्हें वापस ले आए हैं। और ये देखिए ये उन्होंने ही लाया है, ये मिर्जई है, यहाँ की खास मिठाई बहुत टेस्टी लगती है, मुँह में एकदम घुल जाती है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और मैंने भी खा लिया था, विशाल ने भी खा लिया, इतना बचा हुआ है तो हम लोग कल खाएंगे अभी। और ये अगली सुबह का क्लिप है, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की दाल। तो उसके लिए मैंने प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च काट ली है, साथ में मैंने 2 टमाटर भी काटे हैं, और मैंने जो मटर को उबाल लिया है पहले, अब इसको मैं मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लूँगी दाल बनाने के लिए। तो पहले मैंने कढ़ाई में आलू की भुजिया बना ली है, तो आज मैं मटर की दाल, चावल, आलू की भुजिया, ब्रेड के पकौड़े, टमाटर के पकौड़े ये सब बना रही हूँ। तो पहले मैंने भुजिया भूंज के और निकाल लिया है, उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में दाल बनाऊँगी। तो ये देखिए मटर को मैंने अच्छे से पीस लिया है, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और जीरा का फोरन डाल दिया है। और देखिए आलू की भुजिया देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अब इस कढ़ाई में मैं कटे हुए जो हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन, तेज पत्ता ये सब डालूंगी पहले, और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालकर भूनूंगी। देख सकते हैं आप प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर डालने के साथ मैं हमेशा ही नमक डालती हूँ, तो उसके बाद मैं नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैंने डाला है इसमें, और इसे डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। तो टमाटर और मसाले अच्छी तरह भुन चुके थे, तो मैंने जो पेस्ट बनाया हुआ था मटर का वो डाल के मैं इसे 5 मिनट तक भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी।
तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस कढ़ाई में मैं पकौड़े तलूंगी। तो पकौड़े तलने के लिए ये देखिए मैंने बेसन और थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा डाला था और उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला ये सब डाल के मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बनाया है ताकि ये ब्रेड पे अच्छे से चढ़ जाए। तो ब्रेड में मैंने किसी भी चीज़ की स्टफिंग नहीं की है, मैं इसे सिंपल सादा ही बना रही हूँ। तो देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैंने साथ में थोड़े से जो है टमाटर भी काटे हैं, मैं टमाटर का पकौड़ा भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए विशाल को टमाटर का पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है उसे, तो मैंने थोड़े से टमाटर भी काटे हैं। तो अभी मैं टमाटर का भी पकौड़ा बनाऊंगी और ये देखिए घोल में मुझे ज़रा सा नमक कम लगा तो नमक और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मंगरेला जमाइन जो है वो भी इस घोल में ऐड कर दिया है और अब मैं इसे तल लेती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ फूफा जी के लिए ही पकौड़े बनाऊँगी क्योंकि बाकी लोग लेट से खाएँगे तो अभी उनको जाना है, इसलिए मैं उनके लिए तल देती हूँ और उसके बाद मैं सारे पकौड़े जो है बाद में तलूँगी। तो यहाँ पे मैं टमाटर के पकौड़े हैं वो भी तल लेती हूँ और इसके बाद चावल के पापड़ भी हैं वो तलना है मुझे। और ये सारे तल के मैं पहले सबसे पहले फूफा जी का खाना निकाल दूँगी, उसके बाद ये पकौड़े मैं तलूँगी। तो चलिए पहले तल लेते हैं इन सबको। और ये देखिए ये सूरन का अचार है जिसे हम लोग बिहारी भाषा में ओल बोलते हैं, तो इसे जिमीकंद भी बोला जाता है। तो ये अचार मेरी माँ ने दिया है कल जब मैं आई थी तो घर से। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं खाने में, तो और भी टेस्टी लगते हैं ये। तो मैं निकाल देती हूँ फूफा जी के लिए भी सूरन का अचार। तो देखिए मैंने फूफा जी का खाना निकाल दिया है और अब मैं उन्हें खाना दे देती हूँ। तो इस साथ में मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। तो ये देखिए हमारे फूफा जी खाना खा रहे हैं और इनके खाने के बाद मैंने विशाल के लिए भी खाना निकाल दिया था। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।